नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदा शर्मा। आज हम जानेंगे लॉकडाउन के बीच रिटेलर्स को हुए नुकसान के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिटेल दुकानों में बिक्री की तुलना पिछले हफ्ते यानी कि लॉकडाउन 4 के पहले हफ्ते में और मार्च के पहले 3 हफ्तों के औसत में की जाए तो पिछले हफ्ते में बिक्री केवल पहले से 40-50% हुई, जो उद्योग के अधिकारियों ने कहा डिप्रेस्ड कंज्यूमर डिमांड का संकेत है और दुकानों की प्रतिबंधित खुलने के कारण है। इस महीने की शुरुआत में खुले बाजारों में रिटेलर्स ने कहा कि मांग में कमी आई है और वे फरवरी के दौरान प्री कोविड की तुलना में स्टोर स्तर पर सामान्य बिक्री के 25-30% को पूरा कर रही हैं। कोविड 19 के कारण मार्च से बिक्री में व्यवधान शुरू हो गया था। रिटेलर्स ने कहा कि इस अवधि में इस साल व्यापार पिछले साल की तुलना में केवल 30-40% है। गोदरेज अप्लायंसेस के बिजनेस हेड ने कहा कि उपभोक्ता केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं जो जरूरी है, जो बाकी सभी को स्थगित करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली, नॉर्थ, महाराष्ट्र और गुजरात में अभी भी बाजार पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी की तुलना में टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की उद्योग बिक्री पिछले साल के लगभग 25-35% है। एग्जीक्यूटिव ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप, विजय सेल्स, ग्रेट ईस्टर्न रिटेल जैसे चेन 35-45% सेल्स को पूरा कर रही हैं। रिटेलर्स ने कहा कि दुकानों को कम देर तक खोलने और इवन खुलने और मॉल के बंद होने से कंपनी के स्तर पर बिक्री प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए फ्यूचर ग्रुप ने 295 में से केवल 88 बिग बाजार स्टोर खोलने में कामयाबी हासिल की है। अरविंद फैशन, जो US पोलो, गैप और एरो पोस्टल जैसे ब्रांडों को बेचता है, 1300 में से 250 आउटलेट खोलने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट को जान सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विनीत गौतम, बेस्ट सेलर इंडिया के CEO, जो कि जैक एंड जोन्स, वेरोमोडा और ओनली समेत कई ब्रांड के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि अब तक पिछले साल की समान दिनों की तुलना में लगभग 50% बिक्री हुई है। कार्यकारी अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ता भी औसत ट्रेंडिंग मूल्य के साथ डाउन ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अधिकांश श्रेणियों में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन में 12,000 रुपये तक की कीमत वाले मॉडलों की अधिकतम मांग है। स्मार्टफोन निर्माता रियलमी इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाजार की रिकवरी में जून तक का समय लग सकता है और उसके बाद यू शेप में रिकवरी होगी। भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि अप्रैल जून तिमाही कठिन है, मांग में सुधार हुआ है और उम्मीद है कि अगर त्योहारी बिक्री के साथ स्थिति दूसरी छमाही में सुधरती रहती है तो बाजार में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करना चाहिए। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदर खुराना ने कहा कि स्मार्टफोन की औसत बिक्री मूल्य में लगभग 15-20% की कमी है। ये दर्शाता है कि उपभोक्ता कम खर्च कर रहे हैं। अरविंद फैशन के CEO जे सुरेश ने कहा कि हालांकि ईद से पहले दुकानें खुलने से पिछले कुछ दिनों में रिटेलर्स को गंभीर खरीदारों के साथ मदद मिली है और कोई विंडो शॉपिंग नहीं हुई है, जिससे काफी सुधार हुआ है। वहीं CAIT ने कहा कि मुख्य रूप से देश भर में लॉकडाउन के कारण देश के रिटेल ट्रेडर्स ने पिछले 60 दिनों में 9,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार खो दिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि डोमेस्टिक ट्रेड पूरे देश में दुकानों और कमर्शियल बाजारों के रूप में अपनी सबसे खराब अवधि का सामना कर रहा है, क्योंकि पिछले सोमवार को लगभग 80% कर्मचारियों ने अपने मूल स्थानों पर प्रवास के बाद केवल 5% कारोबार ही दर्ज किया जा सका था और केवल 8% वर्कफोर्स ही दुकानों में अपने काम को फिर से शुरू कर सके। CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि 60 दिनों के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान घरेलू व्यापार को लगभग 9,00,000 करोड़ रुपए का कारोबार खोना पड़ा, जिससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को GST के कारण लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और सरकार से कोई नीतिगत समर्थन नहीं मिलने के कारण वे अपने व्यवसाय के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो रिटेलर्स को लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि सब कुछ नॉर्मल कब होगा और व्यापार कोरोना से पहले के स्तर पर दोबारा कब पहुँचेगा। इन सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा।
हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।